सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी सफाई कर्मी भर्ती जो कि 40,000 पदों पर निकली हुई है। तो आवेदन हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। आप आवेदन कब से करेंगे, कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो चलिए सब कुछ बात करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों फटाफट आ जाएं और जितनी भी बातें हैं ध्यान से समझें, वीडियो एंड तक देखना। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एंड तक प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक एक स्टेप पर बातों को समझना। और बिल्कुल अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये भर्ती आपके लिए है और बहुत अच्छी नौकरी है। पेमेंट की तो बात ही मत करो भाई, इस समय सफाई कर्मी की पेमेंट 20,000 प्लस हो चुकी है दोस्तों। लेकिन अगर ये संविदा पे होती है तो इसकी पेमेंट कम होगी, और अगर आप अस्थाई कर दिए जाते हो तो 20,000 प्लस इस समय आपके पेमेंट्स मिल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें आपके 40,000 सफाई कर्मियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार सफाई कर्मी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। राज्य में 8वीं पास नागरिक के लिए भर्ती की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर 40,000 सफाई कर्मी भर्ती हेतु आवेदन करना चाहते हैं, और सफाई कर्मी भर्ती आवेदन से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि पूरी आधिकारिक जानकारी आप समझ पाएँ। सो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यूपी सफाई कर्मी भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों, क्या है कैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी सफाई कर्मी कर्मचारी भर्ती, राज्य के जो उम्मीदवार हैं आवेदन जो करना चाहते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, 8वीं पास है। और ये भर्ती आपको कब तक मिल जाएगी, आपको सितंबर माह तक, देखिए साफ साफ लिखा गया है अगस्त के लास्ट तक या सितंबर तक। तो अगस्त तो आपका बीत चुका है, इसी सितंबर में आपके आवेदन होने की उम्मीद है। अगर आपके पास ये सारे चीज़ हैं जो इसमें मैं बताने वाला हूँ तभी आप आवेदन कर सकते हो। तो क्या रहना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, पूरी चीज़ आप समझ लो। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसके एजबल बन जाएँ तभी आप आवेदन कर सकते हो। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। साथ में आपकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास कम से कम जरूर हो, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, कहते हैं इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, तो भाई एक संकेत करना चाहूँगा, अगर आपके पास 8 पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप समझ लो क्या करना है और कर लो जो करना है, उसके बाद आप एजबल हो जाओ भाई, तभी आप आवेदन कर सकते हो। बातों बातों में, संकेतों में आपने भावनाओं को अगर समझ लिया तो आप समझदार हो, नहीं तो फिर लल्लू लाल हो। चलिए संगठन का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश नाम है, वर्ष आपका क्या है, 2021 है। कुल पदों की संख्या दोस्तों 40,000 है, और यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम क्या है, आपके सफाई कर्मी है। योग्यता आपकी, आपको बताया मैंने लल्लू लाल वाली बात, 8वीं पास, और आपके एज क्या है, 18 से 40 वर्ष है। नौकरी का स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश है। आवेदन पत्र आपको आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कब से रजिस्ट्रेशन होंगे तो जल्द ही किए जाएंगे। वेबसाइट ऑफिशियल आपकी क्या है, imc.up.nic.in, इस पर जाकर आप पूरी विजिट करके पूरी चीज़ आप समझ सकते हो, जान सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी, पेपर की न्यूज़ है, इसमें लिखा गया है कि 40,000 संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती को मंजूरी। अब ये भर्ती आपकी अगस्त तो बीत चुका है, सितंबर में होने वाला है जैसा कि जो नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया जा रहा है, तो आपका सितंबर में आवेदन आने के इसके चांस है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,000 पदों पर, और यहाँ पर टोटल आपकी जो अपडेट है सब कुछ लिखा गया है। साक्षात्कार में मिले अंकों के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू भी होगा, इसमें आपसे कुछ बेसिकली जानकारी पूछी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, और इसके बाद आपको अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलेंगी। क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, यहाँ पर अब मैं जो सीक्रेट की बात कर रहा था वो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, अब ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तभी आप आवेदन कर सकते हो। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक व्यक्ति कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। अनुसूचित जात जनजाति उम्मीदवार को आवेदन पत्र में 5 वर्ष का छूट मिलेगा, अगर आप 45-44 वर्ष के हो गए हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, छूट का मतलब ये हुआ। यूपी सफाई कर्मी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आप लोग जान लो, अगर नहीं है तो आप बनवा लो, क्योंकि जब आवेदन होने लगेंगे तब आप नहीं बनवा पाओगे। तो सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए,
जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए, 6 माह की अवधि का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, पते से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, बैंक विवरण का डिटेल्स होना चाहिए और BPL प्रमाण पत्र अगर आपके पास है जिसको अंत्योदय कार्ड बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर आवेदन कैसे करना है वो चीज़ मैंने आपको बताया, आधिकारिक वेबसाइट भी मैंने दिखाया। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभी तो आवेदन हो नहीं रहा, इस प्रकार का कुछ पेज आपको खुल के मिलेगा, ये जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार आपका आवेदन होगा। तो वो तो आप किसी भी साइबर कैफे या जनसेवा केंद्र पर जाकर अप्लाई करा लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। और भाई अगर कोई भी आपको प्रश्न अभी पेंडिंग में है, कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूरा फर्स्ट क्लास हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अधिक बात करने के लिए हमसे हमारा व्हाट्सअप नंबर आप ले लीजिए 8261 964 826 पर हमसे एनी टाइम मैसेज द्वारा बात कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है और भीमा चित्रा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो भाई बिल्कुल ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में निःसंकोच पूरी बात को छापना और हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और बिल्कुल चलते चलते एक चीज़ कहना चाहेंगे, फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन ऐसे लिखा होगा सब्सक्राइब लाल में, उसको भैया ऐसे टच कर दीजिएगा, एक झप्पी दीजिएगा, वो हो जाएगा सब्सक्राइब और आप हमसे डायरेक्ट हो जाएंगे कांटेक्ट में। टोटल वीडियो आपको मिलती रहेंगे और आप इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे और सबसे पहले नौकरी पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।